हेलो वर्ष भाई, तो क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई एक और फर्स्ट क्लास वीडियो लेके आ गया है, जो कि हूँ अभी मैं शिमला दिल्ली, और यहाँ हो रही है बर्फबारी और ऐसी ऐसी नहीं हो रही, तगड़ी वाली हो रही है, देख सकते हो आप। और आपको और जगह घुमाता हूँ, चलो देखते क्या होता है। चको 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 स्लो मोशन बना देंगे सर, कोई बात नहीं। चलो फोन कर दो बनाते। ओ फट गई गाड़ी की। चल थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है भाई। हमने क्या करना रूम में जाके अभी। ये रोड है जो नारकंडक जाता है वाला रोड है, देखो बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं चढ़ रही अभी भी, बड़ी मुश्किल से गई है गाड़ी, वो भी अल्टो, तो गाड़ी चढ़ने कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। देख सकते हो आप जो 4x4 जीप है उसकी भी कैसे फट रही है यहाँ से चढ़ने में, पगड़ी वाली उसके भी बुरे हाल हो रहे हैं, तो सोचो सादी गाड़ी के क्या होंगे। और कैसे हो सर? इनका नाम है पदम कुमार सर, ये मजे ले रहे बर्फ के। कैसा लग रहा है सर आपको? fine. ये यहाँ की नहीं है, ये बाहर की, इसलिए ऐसा बोल रहे। ओ और कुछ जो कहना चाहोगे? ये बर्फ 2-3 दिन लगातार पड़नी चाहिए। अच्छा अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। को ओ, नाचो जा रहा, गाना लगा दूंगा मैं। देखो यहाँ का नजारा क्या तगड़ा है, कैसा लग रहा है आपको? आंखों में ही पड़ रहा है साला। हाथ इतने ठंडे हो गए ना, क्या बताए। हमने जाना और ऊपर अभी। ये मेरे उसमें ये देखो पेड़ों में बर्फ बर्फ बर्फ। चलो 1-2-3 आ जाओ यहाँ पे। पीके भाई का स्लो मोशन बनाते हुए आ जाओ सर, आ जाओ। क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको? आनंदित हो? आनंदित, मजा आ रहा है? मजा मेरे को ना गिराना सर। लोग चलो इसको झाड़ते हैं यार। कैसा लग रहा है पीके भाई स्लो मोशन बना के, कैसा लग रहा है? अच्छा ओ बर्फ ले लो, बर्फ 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 बर्फ। ये नजारे बहुत ही औसम है, मतलब देखने में इतना मजा आ रहा है। ठंड से बुरे हाल हो चुकी है, हाथ भी लाल फिर गए, तो पर नजारे देखने में कोई वो नहीं हो रहा, बहुत मजा आ रहा है, दिखाता हूँ आपको भी। देखो ये भाई साहब भी बर्फ के मजे ले रहे। नाम क्या है आपका? व्हाट इज योर नेम? नाम बताओ सर। केस ठोक दूंगा आपके ऊपर, पक्का पक्का केस ठोक दूंगा, स्टोक लूंगा। अभी तो हम इतना ऊपर आ चुके कि अभी यहाँ कम से कम भी 1-1 फुट बर्फ है,
एक एक फुट मानते हो ये हाथ पैर इतने ठंडे हो गए कुछ बता ही नहीं सकते, पर बर्फ तो है मजेदार। चलो और भी आगे दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। हम पहुंच गए हैं ये स्कूल जो कि डफ एम डम नाम है इसका, मुझे भी नहीं पता। ये है जो गूंगे बहरे होते लड़के, बच्चे गूंगे बहरे जो होते उनके लिए स्कूल है। और स्कूल के आसपास इतना सारा मजा आने ग्राउंड है, इतनी बर्फ है यहाँ, कम से कम एक डेढ़ फुट है, डेढ़ फुट के आसपास है। कितनी है? डेढ़ फुट बर्फ है। अब करेंगे मजे, पूरे हाल हो गए बर्फ में खेल खेल के। मारी थी वैसे ठंड की कभी लग रही ना, क्या बताएं, फटके चार हो गई, पर मजा जरूर आया था। दिख रहा होना कि नहीं आपको? दिख रहा है जहाँ मैंने ढाई मारी थी, तगड़ा हो गया। ये देखो कुछ खतरनाक ही नजारा है यार, अलग ही बहुत मजा आ गया। हाँ सही बात है, हाथ की हालत ऐसी हो गई ना, लाल दिख रहा है मेरे को खुद भी हाथ, और बर्फबारी भी हो रही है फिलहाल। हम पहुंचने वाले अभी चलते चलते ढल्ली से, कहाँ पहुंचने वाले? छराबरा, जो कि कुफरी से पीछे है, कुफरी से एक डेढ़ किलोमीटर पीछे है। हम पहुंच तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, वीडियो क्या कर रहे हैं आप? अभी इतना ऊपर आ चुके हैं कि ठंड से बुरे हाल हो चुके, पर इन भाई साहब को लगी है जिद कि और ऊपर जाना है। चलो बोलो जा ही लेते हैं ऊपर, है बोलो हेलीपैड, उसमें इससे भी ज्यादा बर्फ होगा साइज से मेरे हिसाब से, तो वहां तक जाते हैं। इनको नहीं लग रही ठंड, मेरी फटके चार हो गई। चलो देखते हैं कितना देर तक टिक पाते हैं, अभी बर्फ के सामने कोई नहीं टिक सकता। दिया रास्ता ब्लॉक, फोटो में जी तो बढ़िया है यहाँ पे भी ठीक है, रास्ता ब्लॉक 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 ब्लॉक। देखो ठंड की वजह से रुमाल बांधना पड़ रहा है हाथ में, देखो हाथ बर्फ बर्फ। फाइनली हमने अपना तार किट पूरा किया ऐसी ठंड में भी, और हम पहुंच के हेलीपैड, बस थोड़ा ही रह गया वहाँ पा रहे वो जो दिख रहा है आपको। पर यहाँ देखो ये ओ इन भाई साहब को स्लो मोशन की बहुत लत है, एक दो तीन अब दिखाता हूँ आपको ये कितना फुट बर्फ होगा, खुद सोचो। तीन फुट है यार भैया, तीन फुट बर्फ है। ये रहा अपना हेलीपैड, चैलेंज कंप्लीट। पर यहाँ देखो कितना नीचे, ये देखो कितना डूब रहे बंदे, अभी तगड़ी बर्फ है। देखो ये रहा अपना हेलीपैड, ओफ ओफ बर्फ देखो आप, राम से ये नीचे देखो कितना डूब गए राम से आ जाओ आ जाओ, अच्छा अच्छा ये देखो हेलीपैड, और इससे ऊंची कोई जगह ही नहीं है यहाँ की। कर देश ये देखो जो आज शाम का पड़ा है वो भी इतना बर्फ है, तो पहले का भी था इसमें काफी बर्फ। मागल वैसा हो गया ठंड से बोले ही नहीं जा रहा, फटके चार हो गई, ऊपर से लगी भूख, सुबह के इनने तीन पराठे खाए मैंने खाए दो, तो भी भूख लग गई। अब बच गए है दो, 2:40 हो गए, अब चलते कुछ खिलाएंगे हमारे गाइड साहब, ये हमारे गाइड है। गाइड साहब हाई कर दो, हाय हाय, ये गाइड है, इनने घुमा है मेरे को यहाँ, बहुत अच्छे गाइड है और क्या बोल सकते, तीन चार फुट बर्फ घुमाई, अभी भी बर्फ पड़ रही है आँखों में यारी सीधी। देखो अब जाएंगे यहाँ से,
चलते क्या होता है आगे, और आगे चलते अब छड़ावड़ा चलते क्या होता है वहाँ, फिर जाएंगे वापस डल्ली रूम में जाएंगे यार। अब क्या करना, अब जाएंगे सोएंगे। पहले तो हम इतनी मेहनत से ऊपर को चले, इन गाइड ने हमारे को बहुत ऊपर चलाया और इसके बाद उतार रहे नीचे को। ये कोई बात बनती है, पूछो जा रहा गाइड साहब कोई बात बनती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात पहले है, चलो ऊपर को। हाँ जी, फिर उतरो नीचे। अच्छा जी, अच्छा ये लोगों नीचे वाला रोड, मेन रोड। अब मेन रोड भी आ चुका है हमारे पास, हम उसके पास जा रहे, वो हमारे पास नहीं आया। अब जाते पहुंच गए ऐसे तो अपना टारगेट। अभी हमारे को 2 किलोमीटर वापस चलना है, हम जा रहे आगे को, अभी इधर को जा रहे, फिर हमारे को रोड मेन रोड पकड़ के इधर को जाना है 2 किलोमीटर कम से कम। भाई कम से कम आज 4-5 किलोमीटर चल पड़ेंगे ऐसे करके। क्यों राष्ट्रपति भवन है, ये है जी राष्ट्रपति भवन। कुत्ते होते हैं यहाँ खतरनाक, साले काट देंगे। ये देखो नीचे रोड, ये है जी नारकंडा को जाता है रामपुर साइड जी। ये राष्ट्रपति भवन यहाँ आए थे, हो रे पहुंच गए छड़ावड़ा। और हमारे गाइड साहब कुछ खिलाने की सोच रहे, देखते क्या खिलाते हैं। और अब मुड़ना हमने नीचे को, ढली इधर को आएगा, आगे जाएगा नारकंडा की तरफ, ठोक मतियाना की तरफ। यहाँ 4x4 चल रही है, पर शादी गाड़ी कोई इच्छा नहीं चल रही। चलते देखते क्या खिलाते। बोलो जो खरीद लिया, जो ले, जो जो लेंगे वो खा लेंगे। हमारे गाइड साहब ने ले लिया सामान दुकान से खाने को कुछ। ये देखो यहाँ शीशा है बिल्कुल, ये लियो बिस्कुट लियो। ये देखो बिल्कुल शीशा है, यहाँ से गाड़ी अभी क्या चढ़ रही है पता नहीं। अब ढली चलना है हमें सीधा, लेट्स गो। खाते हैं यार, भूख लग रही है, पहले खाते हैं फिर करेंगे आप। चिड़क गई बर्फ तगड़ी वाली। थोड़ी देर पहले फिसल के मर गया था, बच गया। इस गाड़ी की फट चुकी है HR, हरियाणा की गाड़ी, हो गया इसका काम तमाम। अगर शिमला आए हो तो आप लोग इस जगह को जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हसन वैली, यहाँ पे टूरिस्ट हमेशा होता है, हमेशा हमेशा रहेगा ही रहेगा, दिखेगा ही दिखेगा आपको, क्योंकि नज़ारा ठीक ठाक ही है। मैं नहीं मानता इसको अच्छा, तो भी ठीक ठाक ही है, पर आज नहीं है। टूरिस्ट हमेशा रहता है। अच्छा लगा हो या आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो ऐसे ही, तो लाइक सब्सक्राइब करना, और लाइक तो करना ही करना वीडियो को, भाई की खातिर इतना तो कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।